हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक मोटो टॉक। मैं हूं आपका होस्ट अक्षांज भट्ट। इन दिस वीडियो वी टॉक अबाउट द लैंड रोवर डिस्कवरी। 2015 से 2017 वाला जो वेरिएंट था वो वेरिएंट है ये। आइए देखते हैं क्या फीचर, सेफ्टी फीचर, इंजन ऑप्शन देखने मिले। ऑल्सो ये यूज्ड कार है, तो क्या प्राइसिंग है, कितनी चली है, क्या कंडीशन है, सारी डिटेल में बात करेंगे आज। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फटाफट से वॉक अराउंड कर लेते हैं इस गाड़ी का। ये है इसका फ्रंट लुक एंड यहाँ पे डिस्कवरी की आपको बैजिंग देखने को मिल जाएगी। कुछ इस प्रकार की फैमिली ग्रिल आपको देखने को मिल जाती है। लैंड रोवर की बैजिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। कुछ इस प्रकार की आपको हेडलाइट देखने को मिलती है। जो फ्रीलैंडर टाइप थी उसकी प्लेटफॉर्म पर बेस है, तो कुछ इस प्रकार की आपको देखने को मिलती है। टर्निंग इंडिकेटर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। लाइट्स काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। यहाँ पर देखेंगे एक सेंसर भी लगा हुआ है, मतलब ये उस टाइप का है कि आप जैसे स्टेयरिंग को कॉर्नरिंग फॉग लैम्प जो आप बुलाते हैं वह, तो यहाँ पर कॉर्नरिंग जैसे स्टेयरिंग राइट साइड में आएंगे तो उस तरफ की ये लाइट जो है जलेंगी। वॉशर आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा, हेडलाइट वॉशर, फॉग लैम्प जो कि LED बेस आपको दिया है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। HID इसके अंदर देखेंगे जो कि थ्रो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। नीचे तरफ रेडिएटर ग्रिल एंड फ्रंट में आप देखेंगे तो 6 पार्किंग सेंसर आपको देखने मिल जाते हैं, विच इज़ वेरी गुड थिंग। यहाँ पे आपको टायर साइज दी गई, अब काफ़ी ज़्यादा बस आपको जो है टायर साइज देखने मिलती है। अलॉय व्हील जो है आपको सिल्वर कलर के देखने मिलते हैं। साइज में आपको देता हूँ 18 inches के टायर है, 235/60 R18 inches, विच इज़ लुक्स वेरी अमेजिंग। यहाँ पे ये देखने को मिल जाएगा, टर्न इंडिकेटर ORM पे देखने को मिल जाएंगे है। LED फंक्शन के साथ ऑटो फोल्डेबल फंक्शन जो है आपको ORM देखने को मिल जाता है। ऑल फोर डोर्स में आपको पैसिव एंट्री देखने को मिल जाती है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। यहाँ पे देखिए, टच करेंगे लॉक हो गई, एंड पीछे भी आप करेंगे अनलॉक हो गई, वेरी इजी। लैंड रोवर की बैजिंग एंड ये देखिए आप इसके बैक लुक ऑफ दिस कार। डिस्कवरी की बैजिंग देखने को मिल जाएगी, वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, शार्फिन एंटीना, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, ये मैं आपको बाद में चला के बताऊंगा। स्पॉइलर, कुछ इस प्रकार आपका हेडलाइट्स के लुक देखने, टेल लैंप्स के लुक देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे टेक्सचर आप देखेंगे अलग ही दिया हुआ है, राउंड शेप में आपको यहाँ देखें। स्पोर्ट्स वेरियंट है, HSE मतलब इसका टॉप वेरियंट है ये। ये इंडिकेटर में आपको यहाँ पे देखेंगे तो एक्चुअली में ये बल्ब नहीं है, LED है, कुछ इस टाइप का आपको दिया हुआ है। एंड नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है कि यहाँ पे स्पेयर व्हील आपको नीचे थोड़ा सा शो होता है, विच इज़ डिसअपॉइंटिंग थिंग। डुअल एग्जॉस्ट आपको देखने को मिल जाता है। 6 पार्किंग सेंसर्स आपको जो है रियर में देखने को मिल जाते हैं। रिफ्लेक्टर्स एंड ये इसके ओवरऑल लुक। ऊपर की तरफ देखते हैं तो प्लेन आपको जो है रूफ देखने को मिल जाती है, बट इसकी एक खासियत है ये मून रूफ है, सनरूफ नहीं है। फ्यूल टैंक की बात कर लेते हैं तो आपको 65 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 212 NM का है, MM का ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिल जाता है। कुछ इस प्रकार की आपको की देखने को मिल जाती है, मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ। कुछ इस प्रकार की लॉक अनलॉक, हेडलाइट्स का बटन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बूट ओपन यहाँ से आप कर सकते हैं, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक बूट नहीं है, मैं खोल के बता देता हूँ आपको, तो आपको थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा यहाँ पे एंड ओपन हो जाएगी। कुछ इस प्रकार का आपको स्पेस जो कि अप्रोक्स 100 मिलीलीटर का जो है, 100 लीटर्स का मुझे लग रहा है, ग्रैब हैंडल दिया हुआ है, यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं, इट्स क्लोज। एंड मैं आपको हेडलाइट्स जो है इसका थ्रो बता देता हूँ, तो यहाँ पे बटन दिया हुआ है तो लॉक अनलॉक वगैरह मैंने आपको दिखा दिया, बूट ओपन करें एंड ये जो हेजा लाइट्स का बटन है यहाँ से आप दबाएंगे इसको, आई डोंट नो ये कि अभी क्यों नहीं जल रहा है, इसको दबाएंगे तो ये आपके जो है हेडलाइट्स ऑन हो जाएंगे जो कि फॉलो मी होम हेडलैम्प्स दिए हुए हैं। इसको बंद करते हैं, पैसिव एंट्री ओपन करते हैं, इंटीरियर चेकआउट करते हैं। काफ़ी कूल इंटीरियर आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाता है। ड्यूल टोन इंटीरियर देखने को मिलता है, ब्लैक एंड ये बीच कलर देखने को मिलता है। सारा ही आपको जो है सॉफ्ट टच देखने को मिलता है, यहाँ पे लेदर फिनिश जो है आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे सॉफ्ट टच दिया हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं मेरिडियन के स्पीकर दिए हुए, विच इज़ वेरी गुड क्रिएट साउंड। यहाँ पे देखिए लॉक एंड लॉक के बटन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सिलो डोर हैंडल्स, ग्रैप हैंडल जो कि यहाँ पे भी स्टिचिंग दी हुई है, स्पीकर, कुछ स्पेस, ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉनिक जो सीट एडजस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। डिस्कवरी की बैजिंग यहाँ पर देखेंगे तो मैट टाइप की आपको दी हुई है। कुछ इस प्रकार के जो इसके इंटीरियर हैं देखिए, काफ़ी खूबसूरत इंटीरियर देखने को मिल जाते हैं। स्टीयरिंग व्हील अंदर से बैठते हैं, सीट्स को मैं पूरी पीछे कर लेता हूँ, उसके बाद में जो आपके हैं इसके लुक्स दिखाता हूँ। एंड ये है इस गाड़ी के इंटीरियर, चाबी को हम यहाँ पे रख देते हैं। देन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, 2 टाइम प्रेस करेंगे 1 टाइम प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से स्टीयरिंग में लैंड रोवर की बैजिंग आपको देखने को मिल जाती है। मीडिया के कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल वगैरह आपको, लिमिटर भी देखने को मिलता है, इज़ वेरी गुड थिंग। यहाँ पे देखेंगे तो MID कुछ इस प्रकार की आपको देखने को मिल जाती है। मैं जूम कर लेता हूँ फिर क्या चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिलती है वो देख लेते हैं।
एंड MID की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे तो स्पीडोमीटर आपको दिया हुआ है, टैकोमीटर बीच में स्क्रीन दी हुई है, टायर प्रेशर अभी जो है आपको दिखा रहा है, क्लियर करते हैं यहाँ पे एंड क्या क्या चीज़ें इसमें पार्किंग वगैरह जो है इंडिकेटर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। एंड ऑफकोर्स आपको यहाँ पर पेडल शिफ्टर देखने मिल जाएंगे, यहाँ पर हेडलाइट्स के कंट्रोल दिए हुए हैं, इस साइड देखेंगे तो आपको वाइपर्स के कंट्रोल देखने मिल जाएंगे, बट इंडिकेटर जो है वो आपको यहाँ से ही जलेगा, ठीक है। एंड जर्मन कार्स की तरह यहाँ पे एसी वेंट्स के लुक, एसी वेंट्स आपको यहाँ पे जो इस प्रकार के देखने मिल जाते हैं, इसके अंदर स्क्रीन दी हुई है, यहाँ से वेंट स्पीड को लो एंड हाई कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, एसी ऑन ऑफ का बटन आपको यहाँ पर देखने मिल जाता है, कंट्रोल सेटअप काफ़ी अच्छा लगता है ऐसा, लाइट्स का बटन, एसी वेंट्स के लुक, यहाँ पे 7 इंच की जो स्क्रीन आपको देखने मिल जाती है, इसमें क्या क्या चीज़ें देखने मिल जाती है, एंड्रॉइड और एप्पल कार पे सारी चीज़ें आपको देखने मिल जाती है। रिवर्स कैमरा पर क्लिक करेंगे तो जो रिवर्स कैमरा है वो आपका ऑन हो जाएगा, इसका पार्क जो है बटन आपको यहाँ पर देखने मिल जाता है, दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। होम पे क्लिक करते हैं, मोड में क्या क्या चीज़ें देखने मिलती है, FM वगैरह जो है आपके मोड सारा देखने मिलते हैं, नेविगेशन आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नेविगेशन आपको देखने को मिल जाएगा, एंड ये एसी वेंट्स के लुक, ये सारे कंट्रोल आपके ऑफ रोडिंग मोड वगैरह के यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं किस मोड में आपको ले जानी है गाड़ी, एंड उसका जो इंडिकेटर है वो आपको सारी ही डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिल जाती है, देखिए आप ऊपर की तरफ हिल डिसेंड कंट्रोल वगैरह आपको यहाँ पर देखने मिलता है, इसको जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो हिल डिसेंड कंट्रोल जो है आपको दिखा देगा, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का बटन, गियर लीवर, जैसे गाड़ी को हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर तो ये जो है निकल के बाहर आ जाएगा, विच इज़ वेरी लुक्स अमेजिंग, रिवर्स गियर गिराएंगे तो कुछ इस प्रकार की आपको जो है क्वालिटी देखने को मिल जाती है इसके अंदर। एंड पार्क पे शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे इसको एंगेज एंड डिसएंगेज आप कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, एंड पार्क ब्रेक लग गया यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ये सारे हैश आपको देखने को मिल जाता है, हैश गिराने के लिए, सिगरेट के लिए, हिट सिगरेट लाइट, इसको हम क्लोज कर देते हैं तो इस प्रकार के लुक्स आ जाएंगे। गेट नॉब मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है, यहाँ पे देखिए DS स्पोर्ट्स मोड पे भी आप लगा सकते हैं। ग्लव बॉक्स को ओपन करते हैं तो ये यहाँ पर इस प्रकार से, एंड ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, बात करते हैं तो ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है, यहाँ से आप 12 वोल्ट का 5 वोल्ट का आपको जो है चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलता है, विच इज़ वेरी गुड थिंग, यहाँ से आप बैटरी वगैरह चार्ज कर सकते हैं। स्पीकर की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है तो यहाँ पर आपको वूफर भी बीच में जो है देखने को मिल जाता है, यहाँ पे देखिए स्टैंड जो फंक्शन है आपको यहाँ पर देखने मिल जाते हैं, ये देखिए आप यहाँ से पार्क असिस्ट जो है आपको फीचर इसके अंदर देखने को मिल जाता है। सो रियर सीट्स में बढ़ते हैं, यहाँ पे स्पेस चेकआउट करते हैं, यहाँ पे देखिए ये मेरिडियन के वगैरह स्पीकर जो है आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, पावर विंडो के जो कंट्रोल्स आपको यहाँ ऊपर की तरफ देखने को मिल जाते हैं, इस पर क्लिक करेंगे सो यहाँ पे फोल्ड हो जाएगी, एंड रियर सीट्स पे आप 7 सीटर कार है तो यहाँ पे बैठ सकते हैं, इसको अप करते हैं तो यहाँ पे भी आपको एक्सेस दिया हुआ है, इसको क्लिक करेंगे फिर ये दोनों जो है आगे की तरफ चला जाएगा कुछ इस प्रकार से। आई डोंट नो मैं तो आ पाऊँगा, मैं नहीं आ पाऊँगा, 6 फीट मेरी हाइट है उसके अकॉर्डिंग, स्पेस का थोड़ा इशू आपको इस गाड़ी में हो सकता है, बाकी काफ़ी गाड़ी जो है अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। एसी वेंट्स के लुक्स आपको यहाँ पर देख लीजिए, एसी वेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे सिगरेट लाइटर वगैरह आपको देखने को मिल जाता है, आर्मरेस्ट एंड 2 कप होल्डर के साथ, इसको बंद करते हैं, मून रूफ जो है ऊपर की तरफ देखने को मिल जाती है जो कि आगे से आपको एक्सेस करनी पड़ेगी, तो ये सारी चीज़ें हैं। फटाफट से बोनेट को ओपन करते हैं, चेकआउट कर लेते हैं इसका इंजन ऑप्शन कैसा आपको इंजन देखने मिलता है, यहाँ से लेफ्ट साइड से जो है ये ओपन होता है, और इसकी सबसे बढ़िया जो चीज़ मुझे लग्जरी ब्रांड्स में लगती है कि यहाँ पे ये डालिए, एक हाथ से मैं और आराम से हो जा करता हूँ, बोनेट इसका काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, इंसुलेशन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, 2.2 लीटर का डीजल इंजन देखने को मिल जाता है, 148 BHP की पावर जनरेट करता है, 400 Nm का जो है पिक टॉक आपको देखने को मिल जाता है, 9-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है, गियर नॉब मैंने आपको दिया, काफ़ी खूबसूरत लगता है एंड पावर काफ़ी ज़्यादा है, आप मानेंगे कि 150 BHP है कम लगेगी बट आपको कम नहीं लगेगी, काफ़ी अच्छा जो है पावर आपको इसके अंदर आउटपुट देखने को मिल जाता है। नॉट आस्किंग मी अबाउट द माइलेज, तो माइलेज जो है नॉर्मली आपको देखने को मिल जाता है, आप फॉर्च्यूनर से जितना क्लेम करेंगे सेम उससे तो थोड़ा बहुत आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। तो ये थी रेंज ओवर डिस्कवरी, ये तो बात हो गई गाड़ी की, अब बात करते हैं क्या प्राइसिंग है इस गाड़ी की, वो सारी डिटेल में बात करते हैं। 2018 का वेरियंट है, 72,000 गाड़ी चल चुकी है, मैंने आपको स्क्रीन के अंदर दिखा दिया, एंड कंडीशन आप देख लिए काफ़ी अच्छी कंडीशन है, मैंने आपको सारा इसलिए पहले बैकग्राउंड करा दिया। अबाउट द प्राइस ऑफ दिस कार, 38.5 लाख रुपये चाहिए आपको गाड़ी कविता मोटर्स पर अवेलेबल हो जाएगी, नंबर जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप, एंड एड्रेस जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो ये थी रेंज ओवर डिस्कवरी, लैंड ओवर डिस्कवरी, रेंज ओवर नहीं है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो थैंक यू वीडियो देखने के दोस्तों।